बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे 16 अप्रैल। आज लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स किया गया तो वी थॉट कि हम साइट विज़िट किया जाए ब्लू हिल सिटी का और आप लोगों से शेयर किया जाए। सो वो लोग जो नए हैं उनके लिए हम बताते चलें कि हम चक्री इंटरचेंज वाली साइट से आते हैं। सो ऑलमोस्ट एट डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर्स दिस इज़ द ब्लू हिल सिटी साइट। और चक्री रोड से जब हम ये राइट लेंगे टर्न तो वील एंटर द प्रोजेक्ट। राइट लेफ़्ट पे आप देख सकते हैं कि मेन गेट के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स द गेट विल बी कंप्लीटेड। सो हियर वी आर एट द फर्स्ट राउंड अबाउट एंड वी विल टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर। सो हियर वी आर एट द मेन बुलेवार्ड। आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट के ऊपर काफ़ी मशीनरी है। क्योंकि हम साइट विज़िट कर चुके हैं पहले एंड वी आर शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस ओनली, तो मेरे ख्याल में हम पे इस वक्त 100 के आसपास मशीनरी काम कर रही है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर काम हो रहा है। कुछ एरिया तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे बट क्योंकि पर्पस आज का वीडियो का यही था कि आपको मेन बुलेवार्ड और जो जनरल ब्लॉक का एरिया है उस रोड का और जो जिन एरियाज के ऊपर काम हो रहा है वो आपको दिखा सकें। तो आप देख सकते हैं मेन बुलेवार्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट है और सर्विस रोड्स के ऊपर भी काम हो रहा है। एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर राइट लेफ्ट के ऊपर एक छोटे राउंड अबाउट्स हैं दोनों, जिनके ऊपर शॉपिंग मॉल्स, स्पॉट्स, मेस्कॉट और इस तरह की दूसरी चीज़ें बन रही हैं। और इस जगह के ऊपर जी लेफ्ट के ऊपर तकरीबन वाटर थीम पार्क आएगा और लेफ्ट के ऊपर ही ये सामने आप तक देखें बोर्ड भी लगा है, यहाँ पे बुर्ज का रेप्लिका आना है जी लेफ्ट साइड के ऊपर। कंस्ट्रक्शन मटेरियल हर जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मशीनरी इसलिए खड़ी है कि यहाँ पे अभी लंच टाइम है, सो जो वर्कर्स हैं दे आर टेकिंग द ब्रेक एज वेल, क्योंकि पहले हम जब गुजरे थे तो यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा था। तो ये तकरीबन फ़िलहाल जो जितना एरिया इन्होंने बुलेवार्ड का डेवलप किया है, वी आर एट एंड एंड नाउ विल टेक अ लेफ्ट टूवर्ड्स जनरल पार्क एंड अवामी पार्क। सो यहाँ पे काफ़ी कलवर्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, तो अभी जो टेम्प्रेरी रास्ते बने हैं हम सिर्फ उन्हीं को यूज़ करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मेन बुलेवार्ड की तरह जब ये एरिया भी डेवलप हो जाएगा तो फिर प्रॉपर इसकी रोड बनाई जाएगी। अभी इस इन रोड्स को प्रॉपर इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी हैवी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है और जब तक ये एरिया पूरा डेवलप नहीं हो जाता उस वक्त तक रोड यहाँ पे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया है जिसके ऊपर ये रोड भी जा रही है, सो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि राइट लेफ्ट के ऊपर कितना एरिया होगा जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये एक सामने कलवर्ट और आ गई जिसके ऊपर काम हो रहा है और राइट लेफ्ट के ऊपर मशीनरी है और दोनों एरियाज में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। ये भी डंपर आप देख रहे हैं वेलकम टूवर्ड दिस साइड एज वेल, बट एज ऑफ नाउ विल टेक यू ऑन द लेफ्ट साइड और आपको दिखाते हैं इस एरिया में क्या काम हो रहा है, कितने आगे तक ये रोड जाती है। पहले डंपर जाता हुआ अपने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं सामने क्योंकि रास्ता नहीं है तो वी गो बैक। सो हियर वी आर। सो एक और बेनिफिट ये है जी इस रोड पे आप देख सकते हैं कि कितना आगे तक यहाँ पे भी कंपनी काम कर रही है लैंड के ऊपर, और ये जो मेरे राइट साइड के ऊपर एरिया है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1-2-3 किलोमीटर आगे हम जाएंगे, मे बी आज तो नहीं जाएंगे मे बी किसी और दिन, वहाँ के ऊपर भी मशीनरी इस वक्त ग्राउंड ब्रेकिंग कर रही है और जो लैंड है उसको लेवल भी कर रहे हैं वहाँ पर। सो ये वो एरिया है जो आपको इस वीडियो में मेन बुलेवार्ड के ऊपर लेफ्ट के ऊपर जो एरिया है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दिया जाएगा 2020 के एंड के ऊपर। यहाँ पे जनरल ब्लॉक मोस्ट प्रोबेबली और अवामी अपार्टमेंट्स एंड विलाज इस साइड पर आएंगे। सो हियर वी आर एट बैचिंग पार्टनर फ्रॉम द अदर साइड।
बैचिंग प्लांट के बिल्कुल साथ लेबर कॉलोनी भी इस्टेब्लिश की जा रही है, क्योंकि अब काफ़ी फुल थ्रॉटल के ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट जारी है। और ये सामने जो भी आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पेट्रोल स्टेशन, ताकि यहाँ पे जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये इसी फ्यूल स्टेशन से फुलफिल की जा रही हैं। और ये भी शायद कुछ लेबर कॉलोनी के लिए कुछ बन रहा है यहाँ। और दिस इज़ ऑलमोस्ट द एंड, यहाँ पे आप एरिया देख सकते हैं। सो नाउ हेयर इज़ द रोड एंड वी आर एंड ऑफ दिस वे।